अब यूपी के बजट सत्र की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बजट सत्र का आगाज, और ऐसे में सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में और आज से प्रारंभ हो रहे वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सत्र का शुभारंभ अभी कुछ देर बाद माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगा। अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, और किसी भी सत्र के वर्ष के शुभारंभ का पहला जो बिजनेस होता है वह विधानमंडल में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरू होता है। बजट सत्र है तो वर्ष 2024-25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा, और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर के सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्य योजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। जनता से जुड़ी हुई हर सुख दुख से जुड़ी हुई घटनाओं को उल्लास और विलास विषाद से जुड़ी हुई घटनाओं का यह साक्षी है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल पिछले 5-6 वर्षों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है। सकारात्मक मुद्दों पर, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर हर माननीय सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है, और मैं इस अवसर पर अपने विपक्षी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूंगा कि जो माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दलीय सीमाओं से अलग हट करके प्रदेश के विकास के लिए विधान सभा या विधान परिषद को हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है, और उस दिशा से यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जाएगा, बजट पर चर्चा होगी, माननीय सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखने का भी अवसर माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के बारे में बना है, देश में, दुनिया में, उस सकारात्मक माहौल का लाभ विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधानमंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे।
हमने कल भी दलीय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार हर विधानमंडल की कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है और उसका जो तथ्यपरक और सही जानकारी होगी उसको सदन के समक्ष रखने और माननीय सदस्यों को अवगत कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की वर्ष 2024 के सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई को सुचारू और नियमसंगत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उन सबका आह्वान करता हूं। लोकतंत्र के उन मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सत्र की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में उनके सकारात्मक योगदान की भी अपेक्षा रखता हूं। और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के उपरांत एक लंबे अंतराल के उपरांत भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने और प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों का अयोध्या धाम में आगमन और उनके सकुशल दर्शन करने के सकारात्मक माहौल का लाभ भी हमारे सभी माननीय सदस्यगण उठाएंगे, इस पूरा विश्वास के साथ मैं विधानमंडल के नए सत्र शुभारंभ के अवसर पर आप सभी का भी हृदय से अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, यूपी में सकारात्मक माहौल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे और अभी देखिए सभी लोगों से यह अपेक्षा है कि एक बेहतर सत्र ये निकल के आएगा।